मेरे साथ गलत हुआ है। हम उससे फेसबुक के द्वारा बात करते थे, उसके बाद उसने मुझे बोला आओ, मैंने बोला अभी नहीं आऊंगी, तो बोला आओ ना। तो हम गए वहाँ पे, मैं रही थी गांधी मैदान के अंतर में, एक होटल आता है न्यू स्टार 5 स्टार। तुम लोग ये सब मतलब धंधा करती है और धंधा करके लड़के को फंसाती है। ज्योति झारखंड के कोडरमा की रहने वाली थी, झुमरी तिलैया की, उनके द्वारा पटना जंक्शन जीआरपी के सिपाही आकाश कुमार के द्वारा गलत काम किया गया था, शादी का झांसा देकर के। झारखंड की रहने वाली एक युवती के साथ जीआरपी के जवान ने राजधानी पटना में दुष्कर्म किया है। आपको बताते चलें कि यह दुष्कर्म गांधी मैदान थाना अंतर्गत एक होटल में किया गया है, जहां पर की लड़की को बहला फुसला कर शादी के झांसा दिया जाता है और रात में उसी होटल में उस युवती को सिंदूर दिया जाता है। सिंदूर देने के पश्चात युवती का युवक के द्वारा, जिसका नाम आकाश है, जीआरपी में कार्यरत है, उस युवक ने उस युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, जिसके पश्चात सुबह होने पर उस युवती का मोबाइल लेकर के जीआरपी का जवान आकाश फरार हो जाता है। जब युवती उसकी पड़ताल में खोजते खोजते पटना के रेलवे स्टेशन पहुंचती है, तो वह युवक आकाश उसे पहचानने से इनकार कर देता है, जिसके पश्चात लिखित शिकायत गांधी मैदान थाना में इस युवती के द्वारा दी जाती है। आज आप यहाँ पहुँचे हैं पटना, मेरे साथ गलत हुआ है। हम उससे फेसबुक के द्वारा बात करते थे, एक महीने तक फेसबुक से बात की, उसके बाद नंबर से बात की 1-2 महीने। उसके बाद उसने मुझे बोला आओ, मैंने बोला अभी नहीं आऊंगी, तो बोला आओ ना। तो हम गए वहाँ पे, 3 फरवरी को सुबह पहुंचे हैं, 3 फरवरी दिन में और 3 फरवरी नाइट में उसके साथ रहे। रहने के बाद आकाश कुमार था वो पुलिस में, जीआरपी में। अब मैं रही थी गांधी मैदान के अंतर में, एक होटल आता है न्यू स्टार 5 स्टार, उसी में। उसके बाद वो 4 फरवरी को 12 बजे चेकआउट किया हम लोगों ने, स्टेशन पे गए, वो मेरे से बैठा, बैठने के बाद वो मेरे फोन लेके भाग गया, फोन लेके भागा, तो उसको मैंने बहुत खोजा। खोजने के बाद वो तब भी नहीं मिला, तो मैं जीआरपी थाना में गई। जीआरपी थाना में वो जैसे मैं जाके बोली, तो वो बोला यहाँ का लड़का नहीं है, वो चोर है, ये है, वो बोला थाने वाले ने, इंस्पेक्टर ने बोला था। फिर वो मेरे सामने, जैसे मैं बाहर निकली, वो मेरे सामने अंदर घुसा, मैंने बोला यही लड़का है, तो वो बोला नहीं, ये लड़का नहीं है, तो चोर है। तो मैंने बोला नहीं सर, यही है। तो वो फिर बोला कि तुम्हारा फोन कितना का था, मैंने बोला इतना का फोन था, पैसा ले लो चले जाओ, मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर मैं वहां से उठी और सीधा चली आई होटल में। होटल में बोला भैया हम जिसके साथ रुके थे ना, उसका आईडी कार्ड दे दीजिए। उसने बोला कि नहीं दूंगा। तो मैं, वो बोला यहाँ थाना पड़ता है, किसी से मैंने पूछा गांधी मैदान थाना कहाँ पड़ता है, बोला यहाँ। तो वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद मैंने बोला मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो कोई भी आवेदन नहीं ले रहा था। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, वहाँ पे एक बैठा हुआ था, 1 स्टार का वो दरोगे थे, वो उन्हें बोला एक आदमी को कि भैया जब तक जाके देख लीजिए ना, उसी के पास होगा वो आईडी कार्ड। तो वो गया, जाने के बाद वहां से आईडी निकला लड़का का, मेरा उसका साथ में निकला। फिर गए हम जीआरपी थाने पे, तो मुझे बाहर स्टेशन पे बैठा के वो दरोगे जो थे, साथ में गए थे गांधी मैदान के, वो अंदर चले गए, मैं बाहर ही बैठी हुई थी। तो वो आके बोला रहे वो लड़का तो यहाँ का है ही नहीं, वो तो 4 दिन की छुट्टी लेके भाग गया घर। तो मैंने बोला नहीं सर, यहीं पर हो गए थे, जल्दी कहाँ भाग जाएगा वो। तो फिर वो जब जैसे मैं अंदर घुसी, तो इंस्पेक्टर जो थे वो बोले काची, एक जो सिपाही थे वो बोले देखो यही मेरा इंस्पेक्टर है। मैंने बोला अच्छा। इंस्पेक्टर ने बोला कि इसको बैठाओ, हम इससे सुबह मिलेंगे। तो हम नाइट में भी रहे, अब केस लेगा, दिन में भी रहे, अब केस लेगा, नहीं कोई लिया केस। उसके बाद नाइट में जब हम रोने लगे, लड़का वो राहुल बोले आके कि यहाँ लड़का नहीं है, लड़का तुम्हें रखना नहीं चाहता है, फोन भी नहीं मिला। तो मैंने बोला अच्छा, आप केस नहीं लोगे तो मैं स्पीक बस जाऊंगी। तो उसी समय वो गए, उसके 1 घंटे के बाद आके बोलते हैं कि तुम्हारे माँ बाप को जेल भेज दिया जाएगा, तुम्हें भेज दिया जाएगा जेल अगर तुम केस करोगी। तो हम बोले ठीक है, अगर हम गलती किए तो मुझे भेजिए, मेरे माँ बाप को मत भेजिए। तो बोला नहीं, सब जाएगा जेल, तुम लोग ये सब मतलब धंधा करती है और धंधा करके लड़के को फंसाती है, ये सब बातें राहुल बोला। राहुल बोला और पंकज और ये अविनाश ये क्या करते हैं? अविनाश ने 2 स्टार के हैं और पंकज भी 2 स्टार के हैं और राहुल भी 2 स्टार के हैं। लेडीज सिपाही 5 तारीख के दिन में उसके सामने मारे, बगैर राहुल सर एक बार भी नहीं बोला क्यों मार रहे हो इसको। आपको मारा? हाँ, मुझे 2-3 तमाचे मारे कैमरा के सामने। फिर उसके बाद वो जो आगे वहाँ है, एक रूम है उसमें कैमरा लगा हुआ नहीं, उसमें मुझे बुलाया गया, बोला कुछ पैसा ले लो उसके बाद चले जाओ।
लड़का तुमको रखना नहीं चाहता। मैंने बोला नहीं, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको लड़के के साथ ही रहना है। हाँ उसी में बुलाया, तो उसमें कैमरा नहीं लगा हुआ है उसमें, मुझे नहीं पता। उसके अंदर बुलाया, उसके बुलाने के बाद मुझे मारा, मारने के बाद बोलता है घर जा। मैंने बोला मुझे नहीं जाना है, कम से कम मेरे गार्जियन को फोन करो, तो गार्जियन को भी फोन नहीं किया किसी ने। दिन आपको थाने में रखा? मुझे 2 नाइट और 1 दिन रखा। 3 दिन रखा? हाँ, 4 फरवरी नाइट, 5 फरवरी डे, 5 फरवरी नाइट। सुबह 6 फरवरी को सुबह 4 बजे मेरा फोन, वो बोला क्या जी तुम्हारा फोन मिल गया। तो मैंने बोला अच्छा दो मेरा फोन। तो वो क्या बोला कि नहीं हम बाहर देंगे स्टेशन पे। तो मैंने बोला नहीं यहीं पर दो, मैं कैमरे के सामने मैं खींच ली मोबाइल, मैंने बोला दो मेरा फोन। ये घटना जो है कब की है और कहां पर हुआ? ये गांधी मैदान थाने के अंतर का है, थाना में, थाना का राहुल दिए थे मुझे। वहाँ पे लेडीज सिपाही थी, राहुल थे और हम थे। अब आप कहां आए? हम आए हैं SSP के पास, उन पे भरोसा है मेरे, जो भी कुछ हुआ है उन पे जांच किया जाए और मुझे अन्याय मिले। देर से ही सही, लेकिन अब उस युवती को न्याय दिलाने के लिए पटना पुलिस अब तत्पर दिखाई देते हुए नजर आ रही है। और यहीं पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं टाउन DSP अशोक कुमार सिंह, जा देखें क्या कार्रवाई हुई। हाँ, युवती झारखंड के कोडरमा की रहने वाली थी, झुमरी तिलैया की। उनके द्वारा पटना जंक्शन GRP के सिपाही आकाश कुमार के द्वारा गलत काम किया गया था, शादी का झांसा देकर के उनके साथ गलत किया गया था। और उस युवती को 1 दिन 1 रात एग्जीबिशन रोड स्थित एक होटल में रखा गया था उक्त सिपाही के द्वारा। और उस युवती के बयान के आधार पर गांधी मैदान थाना पुलिस के द्वारा बलात्कार का प्राथमिकी दर्ज किया गया और हम लोग तुरंत GRP के सिपाही जो थे आकाश कुमार गिरफ्तार किए और उनको दूसरे दिन हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए जेल भेज दिए। उसमें ये बात स्पष्ट हुई थी कि GRP के सिपाही के द्वारा प्रेम प्रसंग का मामला दिखाते हुए लड़की को झांसे से बुलाया गया था और शादी का झांसा दे करके उसके साथ गलत किया गया था। तो एक पुलिसकर्मी के द्वारा इस तरह का कृत्य बहुत ही घृणित कृत्य था और हम लोगों ने इसमें अविलंब सख्त कार्रवाई करते हुए सिपाही को गिरफ्तार किया और तुरंत उसको न्यायिक अभिरक्षा में करते भेजते हुए जेल भेज दिया। पीड़िता ने 3 अन्य गांधी मैदान थाने के पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाए थे, उस मामले में का भी आरोप लगा था, भगा दिया भी गया था। उस मामले में क्या कुछ तैयार करने के लिए तो थाना के द्वारा भगा दिया गया। हाँ, ये बात भी सही है कि पीड़िता को 2 दिनों तक रखा गया था थाना पर, बैठा करके रखा गया था। चूंकि पीड़िता उस समय अपनी बात को थाना में ढंग से नहीं रख पाई थी, इसलिए उनकी उनको उनकी बातों को लेकर के थाना बैठाया गया था। परंतु जांच के दरमियान ये भी आया है कि थाना के कुछ पदाधिकारी एवं कर्मी के द्वारा गलत किया गया, मतलब गलत इन द सेंस की पीड़िता की बातों को तुरंत संज्ञान में नहीं लेते हुए और पीड़िता को 2 दिन बैठाया गया था। इसमें भी हम लोग जाँच कर रहे हैं और इसमें भी जो जाँच के क्रम में सही बात आएगी उस पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई किया जाएगा। पीड़िता ने आरोप लगाए थे कि 2 रात उसको थाने में रखा गया और थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसके साथ मारपीट की, अभद्र व्यवहार किया, CCTV कैमरे में सब कैद है। क्या आपने CCTV का अवलोकन किया है, उसमें क्या कुछ निकल कर आया? ये बात सही है कि पीड़िता 2 दिन गांधी मैदान थाने पर रही थी और उस क्रम में थाने के 1-2 पदाधिकारी एवं एक पुलिसकर्मी के द्वारा उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया था और उनकी बातों को सही तरीके से नहीं लिया गया था। उस समय सही तरीके से लिया जाता तो फिर पीड़िता को दोबारा नहीं आना पड़ता। इस संबंध में बड़ी पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में मैं जांच कर रहा हूं और जांचोपरांत जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे पदाधिकारी या कर्मी उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जाहिर सी बात है कि अशोक कुमार सिंह ने साफ तरीके से कहा है कि GRP के जवान जिनका नाम आकाश है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। और वहीं पर टाउन DSP ने साफ तरीके से यह भी कहा है कि उस युवती को जो 2 दिन तक गांधी मैदान थाना में बैठाया गया था उसके लिए भी अब एक जांच टीम बैठाई जा रही है और जांच किया जाएगा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, जिसकी संलिप्तता आने पे उस लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें।